आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, एटम के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। वो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट चार्ज्ड पार्टिकल्स विच कुड बी आइडेंटिफाइड इन एन एटम। एक सबसे पहला चार्ज किसी पार्टिकल का जो कि एटम के द्वारा आइडेंटिफाइड हो। आइडेंटिफाइड का यहाँ पर फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज से संबंध दिखाया जा रहा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटॉन 2000 के अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो वो वैल्यू देता है प्रोटॉन की। उसके बाद आते हैं कैनल रेज। पॉजिटिव चार्ज्ड रेडिएशन बाय इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कैनल रेज। जब कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर हो तो उसे कैनल रेज कहेंगे। उसके बाद आता है थॉमस मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना ये मॉडल तैयार किया था। उन्होंने हमारे पास एक फिगर दी थी जो बाहर की जो स्फीयर बनाई दे रही है, आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है, उसको उन्होंने पॉजिटिव रखकर देखा था और उन्होंने ये अंदर के ये नेगेटिव पार्टिकल्स इन्होंने अंदर रखे थे और उनको नाम दिया था इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब E-। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव करते तो बनता हमारा थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। यही था थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम पर भी एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये एक मॉडल अपना तैयार किया है एटम पर। इन्होंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो पहली रेखा, उसके आगे रेखा और उसके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वाली ये P+N-। इसको इन्होंने कहा था न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस। और उसके बाद था इन्होंने जो इससे ऊपर वाली परत थी, एक सर्कल था, सबसे पहले वाले सर्कल का उन्होंने नाम रख दिया M, दूसरे वाले सर्कल का नाम रख दिया L और नेक्स्ट का रख दिया K और बीच वाले सर्कल को न्यूक्लियस बना दिया। M की वैल्यू होती है 1 और L की वैल्यू रखी उन्होंने 2 और K की वैल्यू उन्होंने रखी 3। उसके बाद हम पढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर जिसका नाम है न्यूट्रॉन्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटम इन न्यूक्लियस ऑफ प्रोटॉन्स कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर ये बताया गया है कि जो एटम की प्रेजेंस होती है, मतलब फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स के द्वारा, प्रोटॉन्स की वजह से जो होता है उसे न्यूट्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन क्या था? 2000 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन था हमारे पास। द फर्स्ट चेंज्ड पार्टिकल्स विच कुड बी आइडेंटिफाइड इन अवर एटम। उसके बाद है आइसोटोप्स है, वो क्या है? सेम एटम एटॉमिक नंबर, जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर्स हो। एटॉमिक नंबर्स आपने पिछले चैप्टर में तो पढ़ा ही होगा एटम वाले में। उसके बाद आता है आइसोबार, जिसके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट मतलब अलग हो उसे हम कहते हैं आइसोबार्स। हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, धन्यवाद।